हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में एक समस्या और है जिससे अक्सर बहुत सारे लोग ग्रसित भी होते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि भाई इसके ऊपर कुछ कीजिए। तो वो है, ये देखो, ये बेंड पाइप देख रहे हो आप, ये बेंड पाइप पे पीला नीला, यहाँ पे डिसकलरेशन। तो ये जो डिसकलरेशन है, ये 650 में भी आया है, 350 में भी आया है, दोनों में आया है। तो इसका क्या इलाज है, क्या ये ठीक होगा, क्या ये ऐसे ही रहेगा या क्या ये वारंटी में जाएगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज करेंगे बात। बट उससे पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुछ प्री रिक्विजिट्स, एक कैंची, एक इस तरीके का कॉटन का कपड़ा जो कि गंदा हो, आप इसे फेंक सकते हो। उसके साथ मैं लेके आया हूँ रॉयल एनफील्ड एसेंशियल्स की मेटल पॉलिश। ये आखिरी औजार की तरह यूज़ करेंगे, और पहले हम यूज़ करेंगे अपना वही पुराना देसी औजार, द क्रोम पाउडर, जो कि हमने आपको कई वीडियोज़ में इससे पहले भी दिखाया है। ये जो क्रोम पाउडर है, जो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे हमें नहीं मिला, अगर ये आपको आपकी लोकल मार्केट में गाड़ी साफ़ करने वाले के पास या फिर ऑटोमोबाइल पार्ट्स वाले के पास ना मिले, तो एक जगह आपको बता देता हूँ, 150% मिल जाएगा। आप किसी भी फैब्रिकेटर के यहाँ चले जाइए जो ग्रिल्स बनाते हैं, तो ये क्रोम पाउडर वहाँ पे जो स्टील की ग्रिल्स, और आपने देखा होगा स्टील के स्टेयर केसेस और गेट्स बनाते टाइम ये क्रोम पाउडर का यूज़ किया जाता है, तो ये आपको वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए एक बार कोशिश करते हैं, पहले देखते हैं कि कहाँ तक हमें कामयाबी मिलती है इसमें, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, इसके लिए आपको करना ये है, एक बहुत छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि क्रोम पाउडर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई यूज़ भी नहीं है। तो बस इतना छोटा सा कपड़ा ले लीजिए जिस पे आपके बस क्रोम पाउडर थोड़ा सा लग जाए, ठीक है जी। अब पहली और आखिरी चेतावनी जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ, भाइयों ये बहुत गर्म होते हैं, चाहे वो ये बेंड पाइप हो चाहे इसका हो, तो प्लीज़ जब गाड़ी पूरी तरह से ठंडी हो तभी हाथ लगाइएगा। अभी मैं मीटियोर को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मीटियोर थोड़ी सी गर्म है और मुझे अपने हाथों के साथ में खेलना नहीं है। तो ये देखिए, इतना सा, ये एक बार आप कपड़ा जब डिप करेंगे तो ये देखिए इतना सा क्रोम पाउडर आपके हाथ में आएगा। अब आइए यहाँ लगा के देखते हैं कि यहाँ लगाने से कोई फ़ायदा होता है इसमें या नहीं। सो गाइस, एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि ये क्रोम पाउडर से पॉलिश की चमक तो वापस आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो ये देखिए, ये चमक तो वापस आई, यहाँ पे चमक आ गई, लेकिन जो ये पीलापन है ना, ये इसने नहीं हटाया है। थोड़ा सा और लगा के देखते हैं, क्या पता कि थोड़ा सा और लगाने पे जाए। तो थोड़ा सा इसको और लगा के देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस, ये तो पक्का हो गया कि इस क्रोम पाउडर से फ़िलहाल ये यहाँ पे चमक तो आ जाएगी, लेकिन ये पॉलिश के ऊपर जो ये दाग हैं ये नहीं जाएंगे। तो अब आइए यूज़ करते हैं अपना, हो पसीने के मारे बहुत बुरी हालत हो रखी है आज मेरी। तो आइए एक सेकंड पीस ऑफ क्लॉथ को काटते हैं। छोटा सा ही इसको भी काटेंगे, और अब यूज़ करते हैं ये मेटल पॉलिश। अब देखते हैं कि क्या ये मेटल पॉलिश इसके ऊपर से ये जो लगा है इसको निकाल पाएगी, या फिर ये ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये देखिए, आइए पहले इसको लगाते हैं ज़रा अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये मेटल पॉलिश इसके ऊपर यूँ लगा दी है, और फिलहाल इसको मैं उंगलियों से ही घिस रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल कपड़ा यूज़ नहीं कर रहा हूँ।
थोड़ी सी और यूज़ कर लेते हैं, मुझे लगता है कि शायद ये काम कर रही है, ये काम करती दिख रही है, राइट? कुछ थोड़ी थोड़ी सी तो दिख रही है, मुझे भी लग रहा है। तो इस बार इसे कपड़े पे ही लगा लेते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसे कपड़े पे लगा लिया है। अब आइए इसको इसी के ऊपर रब करते हैं थोड़ी बहुत देर, और फिर देखते हैं कि ये डिसकलरेशन जाता है या नहीं जाता है। नहीं, देखिए गाइस, पीलापन तो जा रहा है, ये देखिए पीलापन काफ़ी हद तक कम हो गया है यहाँ पे। फिलहाल ये देखिए मैं रब कर रहा हूँ इसे, तो ये देखिए जो अभी पूरा पाइप मुझे येलोइश पूरा लग रहा था वो फिर से वाइटिश हो गया है, और जो यहाँ पे कंपोनेंट था जो बहुत ही ज़्यादा पीला हो गया था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अब एक बार ज़रा इसे थोड़े से उसी गंदे कपड़े साफ़ करके देखते हैं। तो गाइस यस, ये देखो फ़र्क तो आया है। ये देखो पहले जो ये पीलापन था ये यहाँ तक था, ये ब्लू ब्लू यहाँ तक था, तो ये कम हो गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं जा रहा है। तो यानी कि होता क्या है गाइस कि ये जो बेंड पाइप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट हो जाते हैं, और होने का रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी हीट होती रहती है, तो ये तकरीबन 150-160 डिग्री तक गर्म होता है। 140 डिग्री के बाद गाड़ी जो है हीटेड की कैटेगरी में आता है इंजन, लेकिन ये जो बेंड पाइप्स हैं ये 160-170 डिग्री तक भी गर्म होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, क्रोम की भी एक अपनी लाइफ है, क्रोम का भी एक अपना, अब जैसे ब्लैक्ड आउट जिनके साइलेंसर या बेंड पाइप्स हैं उनके पास चटक आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए रॉयल एनफील्ड कोई वारंटी नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर आप लगातार मेटल पॉलिश का, जैसे अब ये देखिए, अब जैसे इधर आओ, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब जैसे देखो ये देखो ये है, अब यहाँ पे आप ये ज़रा सा क्रोम पाउडर रगड़ दीजिए, देखिए आपका ये जो पाइप है भाई साहब क्या बेहतरीन शाइन करेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपने आपके पाइप के साथ कभी कोई छेड़खानी की थी। तो ये चीज़ें आपको अच्छी भी मिल जाएंगी, लेकिन अब क्या है, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने रगड़ दिया इसको। अभी देखिए यहाँ पे पूरे साइलेंसर पे थोड़ा सा रगड़ देता हूँ, क्योंकि बरसात हो रही है, मेरे भी साइलेंसर्स पे रस्टिंग आएगी आएगी। मेरे लिए कोई अलग से कोई स्पेशल चीज़ नहीं बनाई है रॉयल एनफील्ड ने। तो आइए ज़रा, अपनी गाड़ी है, अपने हिसाब से इसको सेफ़ रखना है, सेफ़ एंड साउंड रखना है, तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपनी गाड़ी को सेफ़ रखने के लिए। तो गाइस फ़िलहाल मेरे हिसाब से अगर आप ये क्रोम पाउडर से भी अगर अपनी गाड़ी को सिर्फ साफ़ करते रहते हैं, ये देखिए साइलेंसर दोबारा से चमक गया है, और ये पॉलिश मुझे अच्छी लगी पर्सनली स्पीकिंग। अगर अब आप इधर का साइड का बैंड पाइप देखो, अब ये देखो, आओ अब ये देखो, ये बैंड पाइप देखो कितना कम हो गया है इसके ऊपर से, और अब उधर के साइड का बैंड पाइप देखो। अब इधर के साइड का अगर आप बैंड पाइप देखिए तो देखिए इस पे कितनी ज़्यादा है। तो आइए एक बार और इस पे भी ट्राई करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्रोम पाउडर से तो हमें पता चल चुका है कुछ नहीं होगा, तो आइए इसी से दोबारा ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा इसी के ऊपर डायरेक्टली लगाता हूँ मेटल पॉलिश, इतनी पॉलिश बहुत है। और इसको लगाने के बाद आइए ज़रा, अब यहाँ देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा पीलापन दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेंड पाइप पे जलन सी दिख रही है, देखते हैं ये कहाँ तक कम हो जाती है। फ़िलहाल मुझे उम्मीद तो पूरी है कि ये मेटल पॉलिश काम करती है, क्योंकि उस साइड तो काम करती दिख रही है, अब इस साइड का हम देखते हैं कि कर रही है कि नहीं कर रही। भी बेंड पाइप पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे अभी से दिख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे मैं ये बफिंग कर पा रहा हूँ इसकी, वहाँ वहाँ पे ये पॉलिश ने ये जो दाग हैं इनको साफ कर दिया है। तो एक बार अब देखो मैं ज़रा इसको रगड़ता हूँ, ये देखो, तो आई कैन से कि 60% से ज़्यादा दाग, ये देखिए अभी यहाँ पे भी कितने ज़्यादा दाग थे, अब ये जो बेंड पाइप है ये अब देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली ये काम कर रहा है, और अगर छोटे मोटे दाग हैं तो
कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से तो दाग अच्छे हैं। आपने देखा कि ये दोनों जो बेंड पाइप्स थे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में थे, लेकिन अब आप देखें तो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके हैं पॉलिश यूज़ करने के बाद। तो ये पॉलिश आपको मिल जाएगी किसी भी रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से। और अगर आप रेगुलर क्रोमिंग करना चाहते हैं तो रेगुलर क्रोमिंग करने के लिए आप कभी भी जो है ये पाउडर जो है ये परचेज़ कर सकते हैं। 10-20 रुपए का पैकेट आएगा आई थिंक सो, मेरे ख्याल से। और जो भी क्रोम पार्ट्स हैं उस पर शाइन ये पाउडर ले आएगा, लेकिन अगर क्रोम की एक्चुअल लस्टर चली गई है या कह सकते हैं क्रोम की क्वालिटी ही ख़राब हो गई है तो ये पाउडर रिपेयर उसे नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास भी है इनमें से कोई भी क्रोम्ड बाइक जिसमें क्रोम साइलेंसर्स हैं तो आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।